श्यामलाल कनौजिया, जिला अध्यक्ष कुर्मी छत्तीस हवा बरेली। और ये हमारा आज जो है 144वीं पटेल जयंती जो हम मना रहे हैं, तो ये हमारा उद्देश्य यह है कि उनसे जो उनके अच्छे अच्छे कार्य थे उनसे हमारा समाज शिक्षा ले, उनको अपने आत्मसात करे शरीर और उसको ले करके आगे बढ़े। क्योंकि हम पटेल ही एक ऐसे व्यक्ति थे, मैं समझता हूँ आज तक, जो अपने देश को परोने में 365 रियासतों को उन्होंने एक कर करके और भारत को एक बना कर दिया। नहीं तो आज टुकड़े टुकड़े होते भारत के, जैसे कश्मीर रह गया नेहरू जी की वजह, तो आज तक वो नहीं सुलझा है। और अब 370 ख़त्म हुई, फिर भी कितना बवाल हो रहा है उसमें। तो इसी तरह से मतलब जो है, मैं समझता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा आदमी ना तो आगे कोई होगा उनके, और ना हुआ कोई, मतलब जो इतना मतलब बोल्डली काम किया उन्होंने। हाँ, तो मैं हर चीज़ उनका जो था, अब जैसे वो एक कोर्ट में मतलब किसी का मतलब मुकदमा लड़ रहे थे और उनके पत्नी का तार आया कि भाई ख़त्म हो गई, तो उन्होंने देखा और रख लिया, और पूरी बहस करने के बाद उसकी तब जाके उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा भाई क्या था, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी पत्नी ख़त्म हो गई, उनका तार था। तो इतना बोल्डली आदमी, इतना वो मतलब ये दूसरे को प्रभावित करने वाले, तो ये सब समाज के लिए, ये उत्थान के लिए सारा क्या है, और समाज के उत्थान के लिए हम इसके अलावा भी, और जैसे अभी हमारे 16 फरवरी को 51 कन्याओं की शादी का भी कार्यक्रम है इस समाज सभा की तरफ से, और हर साल ये करते हैं। मतलब हम लोग, बाकी सब लोग जो अपने अपने समाज के करते हैं, हमारा समाज जो है सर्व समाज की करता है, हर एक समाज के कन्याओं की शादी 51 करते हैं। इस तरह से सामाजिक कार्य भी हमारे समाज जो है करता रहता है, और उनको जा करके भी समझाया जाता है, जैसे कि राजनीति में पिछड़ रहे हैं हम लोग, और उसमें मतलब पढ़ाई के में उसमें है, तो उसको ये समझाया जाता है भाई हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम राजनीति में और उसमें नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा में नहीं आगे होंगे, तो फिर और पिछड़ते चले जाएंगे। उनके बारे में हम क्या कहेंगे, ये तो पूरा विश्व जानता है। वो हिंदुस्तान के एक ऐसे महान योद्धा थे, चाहे देश बनाने की बात हो, चाहे देश चलाने की बात हो, और आज तक चाहे समाज की व्यवस्था की बात हो, आज तक नेता बहुत हुए, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरे देश को इन पर आज गर्व भी है, और मेरा तो मानना है, और इनके बारे में सरकार की तरफ से विस्तृत चर्चा हो, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी इनके आचरण का, इनके कार्यकलापों का, इनके किए गए कार्यों का, इनकी दूरदृष्टता का, इनके एक सही अनुशासन का, गरीबों, उजड़े कुचले मलिन लोगों, किसानों की चिंता करने वाले और समाज में समरसता पैदा करने वाले, इनके सबका अनुसरण करें और पटेल की सोच का हिंदुस्तान बनाने का प्रयास करें। आज मनोहर सिंह जी, उपाध्यक्ष कुर्मी छत्रीसभा बरेली, आज इस कार्यक्रम में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारी सुबह 9:30 बजे सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई थी। उसके बाद एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली यहां से रवाना हुई पूरे शहर में, हम लोगों के युवाओं ने उसमें भाग लिया। 11:30 बजे हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे कुर्मी छत्रीसभा के अध्यक्ष माननीय श्यामलाल कनौजिया जी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व राज्य मंत्री माननीय श्री भगवत शरण गंगवार जी रहे। कार्यक्रम में हम लोगों ने वृद्धजनों को सम्मानित किया है, 80 वर्ष से ऊपर जो हमारे वृद्धजन हैं उनको सम्मानित किया है। इसके अलावा हमारे समाज के जो विशेष योगदान जो लोगों ने दिया है, जिस जिस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, उन हमारे साथियों को सम्मानित किया गया है, बच्चों को सम्मानित किया गया है, मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। और इसके बाद हम लोगों का दूर दराज से आए हुए सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करके कार्यक्रम का समापन लगभग 4 बजे किया जाएगा। सरदार पटेल के आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं, उन पर चलकर हम लोग समाज को एक रूपता देना चाहते हैं, पूरे देश में को, जैसे उन्होंने एकीकरण किया,
एकता दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मना रहे हैं, उसी तरह से मिलजुल कर समाज को के हर वर्ग को, हर जाति को, हर संप्रदाय को उनके बताए हुए आदर्शों पर चलना चाहिए, एक होना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो रचना है सही तरीके से उसको लागू करना चाहिए। यही हम लोगों का उद्देश्य है, यही हम लोगों की भावना है।